आपके रसोई में या भोजनालय में जो जो भी चीजें निकल के आती हैं उनको इसमें भर दिया गया है और कहा, इसको नाम दिया है इको ब्रिक्स। अब इसमें ये 1.25 लीटर का है, 1 लीटर में बता रहे हैं कि 4 सदस्यों के परिवार का 3 महीने का प्लास्टिक कचरा इसमें रहता है और 100 वर्ग फीट भूमि को ढकने की क्षमता का इसमें भर जाता है। अब मान लो भर गया, इसको भरने की जरूरत क्यों है? आप सब ये जानते ही हैं, तो घर में आने के बाद डस्टबिन के माध्यम से बाहर जा रहा है, तो पृथ्वी के ऊपर जहां तहां मिट्टी के अंदर फैला है, दबा है, पानी के अंदर डंप रूप में तो बदबू ही पैदा कर रहा है, मिला जुला करके पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है, ताकत प्रदान कर रहा है। प्रदूषण से क्या समस्या होती है सब जान ही रही हैं। करें 5 तत्वों से शरीर की निर्मिति हुई है और उसमें क्षितिज, भूमि, मिट्टी, हवा, ये सब कहा गया है। अगर वो ठीक है तो मनुष्य का जीवन भी अच्छा होता है, ऐसा कहा गया है। और कहा है कि इन सब जो 5 तत्वों से जो शरीर की निर्मिति हुई है तो उन 5ों तत्वों को में जहर फैलाने का काम इसके द्वारा संपादित हो रहा है जहां तहां। और कहते हैं कि ये जो प्लास्टिक नामक समस्या है सैकड़ों साल तक पड़ा रहता है जहां भी पड़ा है, और सैकड़ों साल तक जहर ही धीरे 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 स्लो स्पीड में निकलता रहता है। अब कहते हैं वैज्ञानिक, इसके अंदर लिक्विड रूप में कोई चीज हो या ठोस रूप में हो, उसका अंश उस पदार्थ के अंदर, लिक्विड हो या ठोस हो, उसके अंदर आ जाता है।